कौन बैंड कर रहा है? जीवन बहुत ही सुखी रहे, अच्छा रहे और बहुत प्यारी बच्ची है, शी शुड बी हैप्पी एंड स्माइलिंग एवर। यही कहना चाहेंगी कि सबा बहुत प्यारी बच्ची है, हमारे लिए बहुत स्पेशल है और आज उसके रिसेप्शन में आए हैं, उसकी शादी हो चुकी है, ये विश्वास ही नहीं होगा कि लड़कियाँ बड़ी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई विश हर ऑल द बेस्ट, ऑल द हैप्पीनेस इन हर लाइफ। बस यही कहना चाहेंगे क्योंकि बच्चियों को हम सिर्फ हैप्पीनेस ही विश कर सकते हैं। शादियाँ बहुत बन, वक्त बहुत बदल चुका है, लेकिन एक चीज़ शायद नहीं बदली, वो यही है कि अपने ससुराल वालों की रेस्पेक्ट करें और उनकी रेस्पेक्ट को अर्न करें, क्योंकि यही एक चीज़ है जो एट द एंड ऑफ द डे प्यार और रेस्पेक्ट, यही चीज़ मायने रखती है। ससुराल सिमर का सीज़न 1 7 साल चला, 2068 एपिसोड्स उसके हुए और आज मेरे लिए, हमारे लिए एक डबल सेलिब्रेशन है क्योंकि आज ससुराल सिमर का सीज़न 2 के 500 एपिसोड भी पूरे हुए। सो इट्स हाँ, बहुत मस्ती करने वाले हैं। सबसे पहले तो सिमर और सॉरी दीपिका और शोएब से मिलेंगे और सबा से मिलेंगे, उनके हस्बैंड से मिलेंगे, उनके पेरेंट्स से मिलेंगे और बाकी जो हमारे जो दोस्त जो मिल नहीं पाते शूटिंग की, जैसे उन सब से मिलेंगे, जैसे आदमैन से मेरी बहन से और क्या बोलते हैं, और मुझे बड़ी भूख लगी है, फिर मैंने आज यहाँ खाने के चक्कर में सुबह से फ्रूट्स खा के रखा हुआ था, आई विल गो एंड ईट शादी का खाना। लेफ्ट में जाए, अरे विजुअल तो मार देना तुम्हें। एक पहले जनता हो जाए, जनता वाइट्स पहले, आप लोग सर आ जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं हम। और एक बड़ा रिसेप्शन इवनिंग के बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे, एक न्यूली मैरिड कपल्स के बारे में क्या कुछ? सबसे पहले तो सबा और खालिद को हम दोनों का बहुत बहुत बेस्ट विशेज और ये चाहेंगे जितनी अच्छी शादी हुई है बस उतनी ही अच्छी तरह से ये ज़िंदगी निकालें और बहुत अच्छी इनकी लाइफ चले। मेरे पास ज़रा वर्ड्स शॉर्ट पड़ जाते हैं, आई थिंक अविनाश ज़्यादा बेटर बता पाएगा आपको। नहीं नहीं, हम जब भी किसी न्यूली वेड कपल के बारे में सुनते हैं या जानते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है क्योंकि हम खुद दोनों हर रोज़ न्यूली वेड कपल जैसा फील करते हैं, तो ये फीलिंग हम चाहते हैं हमेशा खालिद और सबा की लाइफ में बनी रहे और उनके जो ये शादी का जो खुशनुमा अवसर है इसको सब लोग अच्छे से एंजॉय करें। बहुत बढ़िया से शादी हुई है, सारे फंक्शंस बहुत अच्छे हुए हैं, हमने उनके सारे वीडियोस देखे हैं और ऐसे ही उनका रिलेशनशिप परवान चढ़ता रहे और अच्छा बनता रहे। अपने एक्सपीरियंस से क्या कुछ एडवाइस देना चाहेंगे, विशेष देना चाहेंगे? देखो हर कपल का अपना एक अलग एक्सपीरियंस होता है, हम एडवाइस करने वाले कौन होते हैं, बस हम लोग ये सोचते हैं कि कपल की ज़िंदगी मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से ऐसी होनी चाहिए कि एक दोस्त की तरह हो और जब आप दोस्त बन जाते हो ना तो एक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है और आप एक दूसरे को बहुत अंडरस्टैंड करते हो, तो वो बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए एक कपल का अच्छा दोस्त होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मोर देन हैविंग अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। आई थिंक एक दूसरे के फ्रेंड बन जाओ ज़िंदगी बहुत ईजी हो जाएगी। आप भी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है, कितना टाइम लगा है? नहीं ये तो तुम झूठ बोल रहे हो, खैर ये तो ऐसे ही बोल रहे हो चढ़ाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम लगा है। हाँ साड़ी पहनने में टाइम लगता है थोड़ा, टाइम लगता है बहुत, 3.5 घंटे। नहीं झूठ बोल रहा है, अरे झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं मैम मैं सच।
थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच एक सेकंड रास्ता ब्लॉक नहीं करेंगे प्लीज हाँ हाँ